पंजाब से लापता या अगवा होने वाले 98 बच्चों को पुलिस तलाश करने में नाकाम हो गई, जबकि 39 बच्चों का ताल्लुक लाहौर से है। सुबह पंजाब में गुज़श्ता 5 बरस के दौरान सैकड़ों बच्चे अगवा या लापता हुए, जिनमें कुछ तो पुलिस ने बाजियाब करवा लिए जबकि बेशतर ताहर लापता हैं या अगवाकारों के चुंगल में हैं। तफसीलात के मुताबिक पंजाब के 21 अजला से अगवा या लापता होने वाले बच्चों में से अब भी 98 बच्चे बाजियाब नहीं कराए जा सके। दीगर जुराइम की तरह बच्चों के अगवा और लापता होने वाले केसेस में लाहौर ही सरे फहरिस्त है, जहां के 39 बच्चे अब तक बाजियाब नहीं कराए जा सके। इसी तरह फैसलाबाद से 10, रावलपिंडी से 7, अटक से 1, गुजरांवाले से 4, उकाड़ा से 2, सरगोधा से 2, शेखपुरा से 3, मुजफ्फरगढ़ 5, मुल्तान और बहावलपुर से 2-2, रहीमजार खान से 1, टोबा टेक सिंह 3, साहिवाल 5, जबकि ननकाना साहब से भी 5 बच्चे लापता हैं, जिनको पुलिस ढूंढने में नाकाम हो गई। जराए के मुताबिक पुलिस की अदम तवज्जो से केसेस को ट्रेस नहीं किया जा सका, जबकि बड़े शहरों में से कुछ वक्त गुजरने के बाद वैसे ही फाइलों को रिकॉर्ड रूम का हिस्सा बना दिया जाता है और केसेस को ठप कर दिया जाता है। पुलिस काम का कहना है कि लापता बच्चों में अक्सर मर्जी से घर छोड़ जाते हैं, जबकि अगवा होने वाले बच्चों को ना सिर्फ ट्रेस किया जाता है बल्कि अगवाकार गैंग्स के गिर्द भी शिकंजा कसा जाता है और गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाती हैं।